वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे के कई किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक किस्सा तब का है जब जीवाजी राव ने विजया राजे से शादी के बाद उन्हें महंगी साड़ियों का तोहफा देने के लिए उन्हें कमरे में लेकर गए, जहां विजया राजे ने इन महंगी साड़ियों को लेने से इनकार कर दिया था। इसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज ए सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग में किया है। विजया राजे और जीवाजी राव का विवाह दोनों परिवारों की सहमति से 21 फरवरी 1941 को संपन्न हुआ। राशिद किदवई अपनी किताब में बताते हैं कि विवाह के बाद राजमाता को तोशखाना ले जाया गया, जहां सिंधिया परिवार का सारा धन और संपत्ति रखी गई थी। यहां सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें, दुनिया भर की मुद्रा, महंगे कपड़े समेत कई कीमती चीज़ें थीं। महाराज ने यहाँ विजया राजे से अपनी पसंद की साड़ी लेने के लिए कहा। राशिद किदवई ने अपनी किताब द हाउस ऑफ सिंधियाज ए सागा ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रिग में आगे बताते हैं कि इस तोशखाना में दुनिया भर के महंगे कपड़ों से बनी साड़ियां थीं, जिसमें जापान का सिल्क, अमेरिका का जॉर्जेट, फ्रांस का शिफोन तक भी शामिल था, लेकिन राजमाता ने इसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ कॉटन और हैंडलूम साड़ियाँ ही पहनती हैं। जीवाजी राव ये सुनकर थोड़े निराश भी हुए, क्योंकि तोशखाना में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसे विजया राजे को पसंद आई हो। ऐसे में उन्होंने विजया राजे को कीमती गले का हार तोहफे में दिया। राशिद किदवई अपनी किताब में बताते हैं कि जीवाजी राव को विजया राजे की वो बात याद थी। इसके बाद कपल बॉम्बे में हनीमून के लिए गया हुआ था। यहाँ विजया राजे भी हैरान रह गई थीं जब जीवाजी राव ने बॉम्बे के खादी स्टोर में ले गए थे। यहाँ से राजमाता ने साधारण कॉटन की साड़ियाँ खरीदी थीं। विजया राजे की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।